खाली जमीन है उधर बनवाएंगे, किसी का घर नहीं उजाड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी अहम खबरों की शुरुआत करने से पहले इस स्पेशल रिपोर्ट को देखते हैं। खाली जमीन है उधर बनवाएंगे, किसी का घर नहीं उजाड़ेंगे। आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मामले में आजमगढ़ सांसद निरहुआ ने अभिशाप कर दिया है कि अब एयरपोर्ट को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन में नेताओं की दाल अब नहीं गलने वाली, क्योंकि मामला ग्रामीणों के आशियाने से जुड़ा हुआ था जिसकी वजह से लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे। लेकिन इस मामले को कुछ नेताओं द्वारा बड़ा आंदोलन का रूप दिया जा रहा था, जहां सरकार और स्थानीय सांसद यानी निरहुआ पूरे मामले को समझकर लोगों को समझाने में लगे हुए हैं और यह स्पष्ट रूप से कह दिए थे कि हम ऐसा कोई विकास कार्य नहीं करवाएंगे जिस विकास में लोगों का विनाश हो। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं ने इस आंदोलन को नेशनल आंदोलन बना दिया था, यहां तक कि इस आंदोलन में प्रदेश के कोने कोने से नेताओं का शामिल होना शुरू हो गया था, जो शासन और प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गई थी, क्योंकि ऐसे ही आंदोलनों का सहारा लेकर कुछ अराजक तत्व अपनी मंशूबे में कामयाब हो जाते हैं और दंगा भड़काने का काम कर देते हैं। और इसका एक उदाहरण भी है लखीमपुर खीरी कांड। लेकिन समय रहते स्थानीय सांसद निरहुआ ने इस मामले को अब लगभग नॉर्मल कर दिया है और एक बयान भी मीडिया को दिया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहते हुए दिनेश लाल यादव देखे जा रहे हैं कि जिधर जमीन खाली है उधर हवाई अड्डा का विस्तार होगा, अन्यथा नहीं। सुनिए, खाली जमीन है उधर बनवाएंगे, किसी का घर नहीं उजाड़ेंगे। तेजी से विकास शुरू हो गया है यहाँ, जितनी सड़कों के मरम्मत के लिए हमने लिखा था सब पूजनीय महाराज जी ने पास कर दिया है। 50 करोड़ का बजट आया जिसमें मरम्मत शुरू हो गई सड़कों की, और एक महीने बाद जितनी नई सड़कें बननी है, पुल बनना है, वो सब भी एक महीने बाद आ जाएगा। सर एक एयरपोर्ट को लेकर बहुत बड़ा मामला यहाँ फैला हुआ है, एयरपोर्ट को लेकर तकरीबन 44 दिनों से लोग धरना दे रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैंने उन लोगों को कहा था कि आप लोग चिंता मत करिए जी, और पूजनीय महाराज जी से हम लोग अभी मिलेंगे जी, और जहाँ खाली जमीन है उधर बनवाएंगे, किसी का घर नहीं उजाड़ेंगे जी। वो लोग हमारी बात को अगर समझ लेते तो उनको कहीं धरना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जब महाराज जी से हम लोग मिलेंगे तो वो जो प्लान है वहाँ के लोगों ने दिखाया भी है कि जहाँ खाली जमीन है उस तरफ उसको बना दिया जाएगा, जहाँ लोगों का घर है उधर नहीं बनेगा। सर एक अंतिम सवाल, सर एक मौर्य दंपत्ति हैं जिनकी हत्या हो गई थी 5 महीने पहले और तकरीबन 45 दिनों से धरने पर बैठे हैं डीएम ऑफिस के सामने। सर अभी मैं कवरेज से आ रहा था, सर क्या चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए थे, उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने आश्वासन दिया था परिवार को कुछ, अभी भी आश्वासन पूरा नहीं पता चला मुझे ये बात का पता चला तो मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे केशव प्रसाद मौर्य से फ़ोन पे भी बात किया और मैंने उनको पत्र भी लिखा कि जो भी इनकी मांगे हैं उसको जो है तत्काल जितना जल्दी से जल्दी हो पूरा कर दिया जाए, क्योंकि अगर सरकार ने कुछ वादा किया है तो उसको पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। बताते चले कि कुछ दिन पहले स्थानीय ग्रामीणों ने अपने सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में बाकायदे सांसद निरहुआ ने ग्रामीणों की बातों को समझा था। इसमें ये बात सामने निकल कर आई कि जब एयरपोर्ट की दूसरी साइड पर्याप्त जगह है तो फिर बसे बसाए लोगों के आशियाने को उजाड़ने की क्या जरूरत। यहाँ तक कि सांसद ने कहा था कि मुझे कहीं कहीं गलत रिपोर्ट मिली थी, लेकिन अब पूरा मामला समझ में आ गया है, हम खुद एक बार जाकर मौका मुआयना करेंगे और जो उचित होगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। और इसी मामले को लेकर निरहुआ खुद धरना स्थल पर जाने वाले थे, लेकिन संयोग बस किसी काम से वो दिल्ली चले गए। लेकिन अपने जुबान के पक्के सांसद निरहुआ ने अपने एक प्रतिनिधि को धरना स्थल पर भेजा और सही जानकारी इकट्ठा करने की बात कही, और अगले दिन श्याम सुंदर चौहान अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर गए और ग्रामीणों की बातों को सुना, समझाने की कोशिश की गई और लोगों की बातों को समझने की भी। जहां एक तरफ श्याम सुंदर चौहान की बातों से ग्रामीण संतुष्ट नजर आए तो वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो के जरिए लोगों को भड़काने के भी काम धरना स्थल पर किया गया था, क्योंकि अभी श्याम सुंदर चौहान की बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि ग्रामीणों ने श्याम सुंदर चौहान की बातों का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारी यानी न्यूज नाइन नेटवर्क की पड़ताल में पता चला कि उनकी बातों को ग्रामीण समझ नहीं पाए और कुछ लोगों के बहकावे में आकर विरोध करना शुरू कर दिया, जबकि श्याम सुंदर चौहान भी यही बात समझाने गए थे और कह भी रहे थे
कि हमारी सरकार ऐसा कोई विकास कार्य नहीं करेगी जिससे लोगों का विनाश हो। और यही सोच हमारे सांसद यानी दिनेश लाल यादव जी की भी है और उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है। सुनिए क्या कहा था अपने संबोधन में श्याम सुंदर चौहान ने। थोड़ा सा हम लोगों के अंदर अगर किसी प्रकार की गलत फहमियां हैं, उस गलत फहमियों को बैठ के समझा के यदि हमारी सरकार के जो अंग है, जो सरकार के अंग है जो इस काम में लगाए गए, अगर उनसे कहीं से कोई त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को भी सुधारा जा सकता है। लेकिन जो एयरपोर्ट बनता है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या माननीय योगी जी के कहने पर या आप ऐसे रनवे बना दें, ऐसे कर लें, ये सब नहीं होता। इस विभाग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का उड्डयन विभाग होता है उसके जो इंजीनियर होते हैं वो आके बताते हैं कि लैंडिंग जो होगी इस दिशा से होगी, इस दिशा में जाएगी, हवा का रूप क्या है, उसके अगल बगल में यात्री टर्मिनल कहाँ होना चाहिए, कार्गो टर्मिनल कहाँ होना चाहिए, एयरक्राफ्ट हैंगिंग कहाँ होना चाहिए, रनवे किधर होना चाहिए, तो इन सब का समावेश एक निश्चित दूरी पर होती है, एक निश्चित मतभेद को समाप्त करने के लिए माननीय सांसद महोदय आपके पास हमें भेजे हैं। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, मैं भी आपके एक किसान का बेटा हूँ, मेरी भी पढ़ाई लिखाई एग्रीकल्चर से हुई है, मैं जानता हूँ आप कितना हो डेवलप कर लें, आप कितनी बड़ी फैक्ट्री खोल लें, कितना बड़ा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कितने बड़ा वकील बन जाए, लेकिन आप खाना खाएंगे क्या? गेहूं और चावल। एक एग्रीकल्चर की कहावत है कि एग्रीकल्चर इज द कल्चर ऑफ ऑल कल्चर, मतलब कृषि सभी सभ्यताओं की जननी है। इस समाज में, इस धरती पे कोई सभ्यता होली दीपावली दशहरा तभी जिंदा रहेगा जब एग्रीकल्चर जिंदा रहेगी। जब हम गेहूं धान चना मटर उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो हम खाएंगे क्या? जब खाएंगे ही नहीं तो न कोई दशहरा मना पाएगा, न कोई दीपावली मना पाएगा, न कोई भी सभ्यता चल पाएगी। इसीलिए कहा गया है एग्रीकल्चर इज द कल्चर ऑफ ऑल कल्चर, कृषि सभी सभ्यताओं की जननी है। तो इस दुख के घड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी आपके साथ है और मैं भी हूँ आपके साथ। आप लोगों की आवश्यकता के अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। तो साथियों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उसी पहल के लिए आया हूँ। आप लोग अपना प्रस्ताव बताएं, उसका एक ऑप्शन बताएं, उसका एक दूसरा उपाय बताएं कि इसका क्या हल हो सकता है। अगर वो हल वाकई में गुणवत्ता नियमानुसार सही है तो उसका हम सरकार को शाम तक पहुंचा रहा हूँ। मैं माननीय सांसद जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, अभी एक घंटा पहले फोन उनका आया था कि मुझको जो स्थलीय निरीक्षण करके, अभिलेखी निरीक्षण करके मुझे तुरंत अवगत कराइए और मैं कल सुबह जो है उद्यान विभाग में ये बात रखूंगा। अब सर्वे होगा तो उनके उपस्थिति में सर्वे होगा। माननीय सांसद महोदय और आपके बीच के कई लोग उसमें रहेंगे तो जो सामंजस्य बनेगा वही जमीने जाएंगी, ये मैं पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ। साथियों, और किसी को कुछ कहना है तो बताएं। अब आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा कि आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर स्थानीय सांसद दिनेश लाल यादव की पहले क्या सोच थी और अब इनका अगला कदम क्या है। लेकिन जाते जाते आपको एक बात बताते चलें कि जिस तरह से आजमगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर ग्रामीणों ने शांतिपूर्वक बिना किसी को कोई बाधा पहुंचाए विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन अब इस धरना प्रदर्शन को कुछ नेताओं ने एक लंबे आंदोलन में तब्दील करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन समय रहते सांसद निरहुआ ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया और उनके प्लान को चौपट कर दिया है। क्योंकि अगर ग्रामीणों की बात को सरकार से सांसद निरहुआ मनवाने में सफल हो गए तो कहीं न कहीं इस धरने को बड़ा रूप देने वाले और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के लिए ये बुरी खबर साबित हो सकती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर को लेकर वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और निरहुआ का यह कदम कैसा है वो भी मेंशन करिएगा। ये भी बताइएगा कि जो काम आसानी से हो जाए उसके लिए बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है क्या। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे थे न्यूज 9 नेटवर्क। खबर में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आजमगढ़ एयरपोर्ट से जुड़ी छोटी व बड़ी अपडेट पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।